हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एस्केलेपियन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एससीसी वोमेंस टी20 चैंपियनशिप का जो मैच खेले जाएंगे कातर वोमेन वर्सेस यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स वोमेन के बीच में, तो उसी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएंगे, उसी लिंक में क्लिक करके सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि तमाम सारे अपडेट्स और फाइनल टीम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और दिए हुए लिंक अगर काम ना करे तो टेलीग्राम पर जाकर सीधा SK11 फैंटेसी कोई भी स्पेस ना दी तो ये सर्च कर लीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आपको वहीं पर जाकर जुड़ना है, आपको जुड़ना इसीलिए जरूरी दोस्तों क्योंकि फाइनल टीम और सारे अपडेट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कातर वोमेन काफ़ी वीक टीम है और यहाँ पर यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। तो यहाँ पर यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स का जीतने का चांस दोस्तों यहाँ पर 99% है और दोस्तों कातर वोमेन का जीतने का चांस सिर्फ 1% है। ठीक है दोस्तों, ये क्रिकेट है इसीलिए मैं यहाँ पे 1% इनको चांस दिया हूँ और यहाँ पर 99% इनको ही दिया हूँ। लेकिन आप मान के चलो कि दोस्तों 100% मैच यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स जीतने वाले हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स की तरफ से जितना भी बॉलर रहेंगे दोस्तों सारे को अपने टीम में पिक कीजिएगा। तो आपको मैं दोस्तों जब टीम बनाऊंगा आपको अच्छे से बताऊंगा कि ग्राइंडिंग में आपको क्या करना है और कौन सा कॉम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हो। तो वीडियो के एंड तक देखते जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले दोनों टीम का एक एक मैचेस का स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो कातर यहाँ पर देख सकते हैं, कातर का यहाँ पर स्कोर कार्ड सिंगापुर ओमन के साथ दिया कि यहाँ पर जीत के आए थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 47 पे देखिए 46 रन की जो यहाँ पर 46 रन जो 46 रन बनाने गए तो यहाँ पर भी इनको 5 विकेट गिरा था। तो यहाँ पर देखिए बहादुर ने यहाँ पर 2 ही रन बनाए थे, लेकिन एक खिलाड़ी दोस्तों पहले अच्छा खेलते थे। मैंने आपको हर वीडियो में मैंने बताया कि ये पहले बॉलिंग भी करते थे, लेकिन रिसेंट टाइम में एक भी ओवर बॉलिंग नहीं किया और बैटिंग से बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। ठीक है, फिर देखिए फिर राणा ने 6 रन बनाए थे और ऐसा ने 7, फिर देखिए फिर एंजेलिया ने मेरे 8 बनाए थे। अगर देखिए कातर वोमेन का पहले बॉलिंग आएंगे तो फिर एंजेलिया ने मेरे इंपॉर्टेंट आएंगे, क्योंकि आपको 4 ओवर बॉलिंग करेंगे और 1 से 2 विकेट लेके जा सकते हैं। सचिन दातल देख सकते हैं 14 रन बनाए, तो ये इस टीम का काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों। इस टीम से देखिए आयशा को और यहाँ पर सचिन, देखिए आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, आयशा और सचिन दातल किसी भी हालत में इन दोनों को ड्रॉप मत कीजिएगा। और दोस्तों एंजेलिया मेरे को भी आप अपने टीम में पिक कीजिएगा, मतलब इन तीनों को आप जरूर पिक करके जाइएगा। ठीक है, अपने टीम में कातर वोमेन की तरफ से दोस्तों। फिर देखिए पे एलिना खान 1-0 पे आउट हुए थे और यहाँ पे हिरार अगरवाल 2 रन बनाए थे। तो चलिए बॉलिंग परफॉर्मेंस देखते हैं इनका। तो बॉलिंग से देखिए आयशा ने यहाँ पे 3 ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, फिर देखिए एंजेलिया ने मेरे ने 4 ओवर में 3 विकेट, हिरा अगरवाल ने भी 4 ओवर में 2 विकेट और दोस्तों सचिन दातल ने भी 3 ओवर में 2 विकेट लिए थे। तो आइए यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स का भी एक मैचेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स दोस्तों यहाँ पर मलेशिया में इनको हरा के आ रहे हैं। तो आप मान के यहाँ पर ये मान के चलो दोस्तों इस सीरीज में सबसे बेहतरीन टीम है दोस्तों यूनाइटेड आरओ एमिरेट्स। ठीक है, तो फाइनल दोस्तों मोस्ट वाले आपको हांगकांग वोमेन के साथ देखने को मिल सकते हैं इन दोनों में से। ठीक है, कुवैत वोमेन के साथ दोस्तों हांगकांग वोमेन। तो यहाँ पर देख सकते हो कुवैत वोमेन ने पहले बैटिंग करती है, 144 रन बनाए थे 1 विकेट में, मतलब उनका विकेट गिरा ही नहीं था। तो चलिए पहले बॉलिंग परफॉर्मेंस देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पर देखिए सी मुगल यहाँ पर देख सकते हैं आपको बॉलिंग से पहले, तो देखिए पहले अगर बॉलिंग करेंगे तो आपको 2 से 3 से 4 विकेट भी लेके जा सकते हैं, 2 से 3 विकेट भी आपको लेके दे सकते हैं। काफ़ी स्विंग बॉलर है, काफ़ी बढ़िया बॉलर है। ईशा रोहित देखिए कैप्टन के लिए सबसे बेहतरीन रहेंगे और इस सीरीज में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों ईशा रोहित, आपको बैटिंग से ओपनिंग प्लस आपको 4 ओवर बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर देखिए खुशी शर्मा ने 2 ओवर में 13 रन 1 विकेट चटकाए थे, भी मोहेश यहाँ पर 4 ओवर में पूरा 4 ओवर बॉलिंग किए थे लेकिन विकेट नहीं मिला। फिर देखिए समायरा ने 1 ही ओवर बॉलिंग किए थे, नंदा कुमार देखिए 4 ओवर में 1 मिनट 10 रन देखे 4 विकेट चटकाए थे, और खेलेंगे तो मास्टर पिक रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों। और यहाँ पे एल किनी यहाँ पे 2 ओवर बॉलिंग किए थे। तो बैटिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं, यहाँ पे इस सारे 26 बनाए थे और यहाँ पे 3-37 यहाँ पे देखिए 52 रन बनाए थे, जो कि आपको मैंने पहले से बता के आ रहा हूँ दोस्तों ये काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी है, आप इनको जरूर अपनी टीम में पिक कीजिएगा। और कभी सभी टैलेंटेड खिलाड़ी, मतलब इनका टॉप 3 दोस्तों काफ़ी बेहतरीन है बल्लेबाजी। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको आँख बंद करके अब 37 को पिक कर लीजिए और किसी के बारे में सोचने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए बैटिंग सेक्शन में आपको सचिन दातल को पिक करना होगा दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पे कबीसा को पिक करने को बोले बोलूँगा। देखिए और यहाँ पर कोई ज़्यादा खास ऑप्शन नहीं है, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर एल के नहीं खेलेंगे तो ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, क्योंकि आपको 2 से 3 ओवर की बॉलिंग करके दे सकती है। ठीक है, तो मोस्ट वाली अगर खेलेंगे तो यहाँ पे 2 से 3 ओवर बॉलिंग कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, मोस्ट वाली करना चाहिए इनको। और लास्ट मैच में आपने देखा खेला भी और 2 ओवर बॉलिंग किए थे, लेकिन मैं यहाँ पर उनको नहीं पिक करूँगा, उनका जो मेन बॉलर दोस्तों मैं उनको पिक करूँगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एस नवाब को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहते यहाँ पे इनको भी पिक कर सकते हो दोस्तों राणा को, तो मैं यहाँ पर राणा को ही पिक करूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एस नवाब बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है, तो मैं यहाँ पर राणा को ही पिक किया हूँ। ऑलराउंडर सेक्स में देखिए आई सब मास्टर पिक रहेंगे, ई रोहित ओझा मास्टर पिक रहेंगे, सीमोगल मास्टर पिक रहेंगे,
और यहाँ पर दोस्तों कोई आज कोई खास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो यहाँ पर समाइरिया को पिक कर सकते हो, लेकिन ये आपको ज़्यादा बॉलिंग करते नज़र नहीं आ रहा है। मैक्सिमम आपको बॉलिंग करेंगे तो दो ही बार बॉलिंग करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग 3 से 4 बार बॉलिंग करने वाले दोस्तों, उनसे ऐसी टाइप का बॉलिंग लेने की कोशिश करेंगे। तो बॉलिंग सेक्स में देखिए, आप एंजेलिना मैरो को पिक कर लीजिए, और आई नंदा कुमार को मैंने पिक करूँगा दोस्तों यहाँ पे, खुशी शर्मा को पिक करूँगा, भीम वॉइस को पिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो हीरा अग्रवाल के साथ जा सकते हो, लेकिन मैं भाई उनको पिक नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीम दोस्तों या फिर यूनाइटेड आरब एमिरेट्स रहेंगे। और देखिए, अगर अगर कातरोबिन के पहले बॉलिंग आएंगे तो फिर आप इनके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, या फिर उनके बारे में सोच सकते हो, लेकिन अगर पहले बैटिंग आएंगे तो सोचने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों स्मॉल लीग की टीम है, आपको ग्रैंड लीग का भी कॉम्बिनेशन बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने कैप्टन दोस्तों यहाँ पर ई ओजा को बनाऊंगा, और दोस्तों वीसी यहाँ पर दोस्तों टॉस पर डिपेंड रहेंगे। टॉस अगर कातरोमेन पहले बॉलिंग करेंगे तो मैं यहाँ पे सचिन धतल या फिर दोस्तों यहाँ पे आईसा में से किसी को बना सकता हूँ, और अगर पहले बैटिंग करेंगे कातरोमेन तो यहाँ पर मैंने वीसी दोस्तों सी मोगल को बनाऊंगा। तो अभी के लिए मैंने वीसी अभी यहाँ पर सी मोगल को बनाया हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए इस टीम को सेव कर लेता हूँ। स्मॉल लीग की टीम है दोस्तों ये, पहले प्रभु देख लीजिए एक बार, T37 को पिक किया हूँ, कबीसा को, एस दादल, तब इस पर देखिए फिर राणा को पिक किया हूँ, फिर देखिए सी मोगल, ई ओझा, ये पर आयशा को पिक किया हूँ, भी मोहेश, नंदा कुमार, के शर्मा, और ये पर एंजेलिना मेरे को पिक किया हूँ। तो दोस्तों चलिए अब आपको ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। तो पहले देखिए यही कॉम्बिनेशन बनाइए, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आप दोस्तों ग्रैंड लीग में क्या करना है, आपको वीसी चेंजेस करना है दोस्तों। पहले तो दोस्तों यूनाइटेड आरब एमिरेट्स के जितने बॉलर है, ठीक है, सारे बॉलर्स को वीसी बनाइए, और दोस्तों यहाँ पर 37 को भी बनाइएगा, आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग से दोनों से पॉइंट देंगे, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको चार कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको चार टीम बन गए एक ही कॉम्बिनेशन से, और यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को भी आप बनाइएगा, क्योंकि ये दोनों भी आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करते नजर आएंगे, और ये लोग भी दोस्तों 4 ओवर की फुल बॉलिंग करेंगे, तो ये लोग भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन से आपको काफ़ी सारे टीम मिल गया दोस्तों यहाँ पे। चलिए आप एक और कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर दोस्तों एंजेलिन ने मेरे को ड्रॉप कर दीजिए, हीरा अग्रवाल को पिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक और कॉम्बिनेशन मिल गया, इस कॉम्बिनेशन में आपको सेम टीम करना, सेम से इनको भी वीसी बनाइए, इनको भी बनाइए, इनको भी बनाइए दोस्तों, और इन दोनों को भी बनाइए, और इसको भी दोस्तों। यहाँ पर भी आपको देखिए 4 से 5 आपको टीम मिल गया, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर भी मिल गया। और अगर देखिए पहले दोस्तों या आपको लगे कि दोस्तों इनका बैटिंग भी नहीं आएंगे, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना, उनको भी ड्रॉप कर दीजिए अपनी टीम में, उनको ड्रॉप करके यहाँ पे कबीजा को ड्रॉप करके यहाँ पे दोस्तों पिक कर लीजिए यहाँ पे एल केनी को, क्योंकि एल केनी अगर खेलेंगे तो आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे, और अगर बॉलिंग करते अगर 1 से 2 विकेट इनको मिल गया, 1 विकेट भी मिल गया दोस्तों, तो आपके लिए बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी एक कॉम्बिनेशन बन गया, इस कॉम्बिनेशन भी आपको वही करना दोस्तों, सारे खिलाड़ी को वीसी बना दीजिए, सारे पहले तो दोस्तों यहाँ पर यूनाइटेड आरब एमिरेट्स के जितने भी बॉलर रहेंगे सारे को बनाइए, और इनको भी बनाइएगा, अगर इनको पिक कर रहे हो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि बॉलिंग करेंगे तो आप इनको भी एक टीम में बना दीजिए, और इन दोनों को तो आप बनाइएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही दोस्तों ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन बनाइए, जितने भी मैचेस हैं दोस्तों आज ओमेन फैचर में, सारे मैचेस दोस्तों ग्रैंड लीग के लिए काफ़ी बेहतरीन मैच है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपको 3 से 6 से 7 टीम आपको ग्रैंड लीग की प्रोवाइड करने की, लेकिन दोस्तों आपको भी पता है लाइनअप्स आते ही नहीं है, और आते भी तो काफ़ी लेट में आती है, तो आपको स्मॉल लीग की टीम देने में दोबारा लेट हो जाता है दोस्तों, तो ग्रैंड लीग की टीम कैसे प्रोवाइड करूँगा, तो इसलिए वीडियो देख के आप खुद कॉम्बिनेशन बना लो, सबसे बेहतरीन रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे एक बार विजिट करवाते हैं दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको ये पे आकर जुड़ना है, अगर आपने अभी तक नहीं जुड़ा तो बिल्कुल जुड़ जाइए भाई, ठीक है। और दोस्तों यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए,